हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, और हमारी दुआ है कि हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर। और मैं हूं मोहम्मद सुहेल। और मैं हूं जफर इकबाल। और भाई, देखने जा रहे हैं एपिसोड 44 का भाई पहला पार्ट, तो देखते हैं भाई, क्योंकि पिछले पार्ट में जैसा राम जी ने बोल दिया कि हम तैयार हैं भाई वनवास के, गुरुदेव भी भाई आ चुके थे। हाँ, तो लेकिन देखते हैं आगे अब क्या होता है भाई, करते हैं वीडियो स्टार्ट। माँ, मेरा राम, मेरे अयोध्या का राजा, कीर्तिमान भाव, यशस्वी भाव, अपने राज्य का, अपनी प्रजा का हितैषी भाव, सबके दुखों का हारता भाव, प्रजा पालक भाव, प्रजा रक्षक भाव। मैं जानती हूँ मेरा राम कभी किसी का बुरा नहीं कर सकता, सबका भला करेगा, सबका आशीर्वाद पाएगा। यार, जब पता चलेगा क्या बीते। आज मैं तुझे अपने हाथों से भोजन करवाऊंगी। नहीं, ना मत कहना, भोजन करो, उसके बाद जाकर महाराज के दर्शन करो, पहला आशीर्वाद उनसे लेना। राज्यभिषेक की तैयारी में व्यस्त होंगे ना, तो सुमन जी भी शायद औपचारिकता भूल गए होंगे। कोई बात नहीं, तुम आओ मेरे साथ, तुम मेरे साथ आओ। राम, नहीं माँ, नहीं, वो मेरा आसन नहीं है। अरे हाँ, मैं तो भूल गई, अब तो तुम्हारा सिंहासन अयोध्या का राज सिंहासन है। तेरी माँ की गोद में तो तेरा सिंहासन है ना, राज सिंहासन, राजा का सिंहासन है, और मेरे राम का सिंहासन उसकी माँ की गोद है। तू अपनी माँ की गोद को भूल तो नहीं जाएगा? नहीं माँ, जिस दिन राम अपनी माँ को भूल जाएगा उस दिन वो जीवित नहीं रहेगा। और माँ, मैं राज सिंहासन पर नहीं बैठूंगा, अब मुझे धर्म के आसन पर बैठना होगा। सही बात है। तेरे पिताजी तेरा राज्याभिषेक कर रहे हैं, तुझे राज सिंहासन पर बैठकर राजा बनाने के लिए, तपस्वी बनने के लिए नहीं। परंतु माँ, मेरा राज्याभिषेक नहीं होगा। माँ, आज से मुझे धर्म की श्रेया में सोना है, धर्म के आसन पे बैठना है, कंदमूल फल खाना है, मुनि वेश धारण करके इसी समय
बन जाना है। ये कैसी पागलों कैसी बातें कर रहा है तू? अपनी माँ के साथ हंसी ठट्टा करना अयोध्या के राजा को शोभा नहीं देता राम। ये कैसी भयंकर बात की है तूने राम? परंतु नहीं सकते है। माँ, पिताजी ने छोटी माँ को वचन दिया है जिसके अनुसार मेरे प्रिय भाई भारत का राज्याभिषेक होगा। मेरा नहीं, और मुझे 14 वर्ष के लिए वन में जाना होगा। ये आप क्या कह रही हैं महारानी? राम को 14 वर्ष का वनवास? महारानी, क्या इसके लिए महाराज की अनुमति है? गुरुदेव, ये महाराज की ही आज्ञा है राम के लिए। झूठ बोलेगा क्या? लेकिन तेरे स्थान पर भारत का राज्याभिषेक केकई मानेगी ही नहीं। केकई तो करवा रही है। वो तुम्हारे साथ ये अन्याय होने ही नहीं देगी राम। भारत उसका पुत्र है, पर भारत से अधिक वो तुझे चाहती है, तुझे प्यार करती है। बस अब नहीं। और फिर केकई की भी तो यही इच्छा थी कि तेरा राज्याभिषेक हो।
इच्छा थी माँ, परंतु आज छोटी माँ चाहती है कि भारत का राज्य अभिषेक हो। मैं इसे क्या यार कर दिया, क्या कर दिया, क्योंकि जब से राम जी की माता को भाई पता चला है ना, माता जी को, तब से वो भी पहले तो भाई पिताजी महाराज दशरथ बहुत ज़्यादा सैड थे, और अब उनको पता चल गया, मतलब जिस जिस को भी पता चलता जा रहा है ना इस चीज़ का, वो एक अंदर डूबते ही जा रहा है अंदर अंदर से। आप देख लें कि गुरु जी को भी पता चला, अब चीज़ें ही कुछ ऐसी बनी हुई थी कि कोई बंदा एक्सेप्ट नहीं कर रहा था कि ऐसी चीज़ें हो जाएंगी, वो भी एकदम से, क्योंकि अब माँ रानी कह के को देख लो वो एकदम से चेंज हो चुकी है। अब राम जी उनको तो मतलब वो कर लेंगे चीज़ अपने माता पिता को एक मतलब के खुश देखने के लिए, लेकिन बात इधर देखो ना कि एकदम से ये होगी चीज़, हाँ। एक पता भी नहीं चला, एक उसने डिमांड कर दी कि ये दो शर्तें हैं, इस पर मैं एग्री हूँ, अगर आप नहीं पूरा करना चाहते, क्योंकि आप देखो ना अगर आप वचन नहीं पूरा करते ना तो आपको एक कलंक लगता है आपके मतलब के पुरखों को भी लग जाता है, क्योंकि आपने पुरखों जो भी आपके पुरख थे ना वो एक वचन देते थे उसको पूरा करते थे, उस पर एक आप देखो ना आप वचन नहीं पूरा करेंगे तो लोग बातें करेंगे कि इसने एक वचन भंग किया, इसके इसने कलंक लगाया, तो वो चीज़ें काफ़ी मायने रखती थी उस दौर में। लेकिन बार बार इसी चीज़ के ऊपर अगर आए ना, तो अब महारानी कौशल्या उनको भी इस चीज़ के ऊपर बिलीव नहीं हो रहा कि कह कह जो है ना वो महारानी कह कह इस तरह कर सकती हैं, क्योंकि वो कह रही हैं कि ठीक है भारत का वो कह रहे हैं आपके पिता, लेकिन ये कि वो तो आगे दीवार बांध जाएगी, वो आप सबसे ज़्यादा आपको चाहती हैं, जिस तरह हम शुरू से देख रहे हैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि एकदम जो है ना वो हर चीज़ उलट पुलट हो जाएगी, और वो इतनी एकदम जो है ना वो सख्त दिल हो जाएंगी, ये कभी हमने सोचा ही नहीं था, क्योंकि जिस तरह वो मतलब कभी उन्होंने मंत्रा को सीरियस नहीं लिया था, कभी वो ऐसे टाल माल देती थी, मतलब कई दफ़ा वो भरत जो है ना वो भी उनको नहीं सीरियस लेते थे, तो ये एक सोचा भी नहीं था, लेकिन एकदम देखो मामलात जो है ना वो उलट पुलट हो गए। लेकिन अब भाई कुछ भी नहीं कह सकते, आप होना चाहिए है, आप सही किया है श्री राम ने जो है ना अपने वालदा को सब कुछ जो है ना वो बता दिया, आगे जो इनसाइड स्टोरी ढूंढना वो देखो किसी को पता चलता है कि नहीं चलता, पता चले उसका असल चेहरा सबके सामने आ जाए, फिर उसको उस तरीके से ट्रीट करें करें भाई। अब देखते हैं के क्योंकि राम जी भी अब हैं तो रेडी, लेकिन ये क्या अब आगे का फैसला आप देखते हैं क्या लेते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।